गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू सक्सेस ब्लू प्रिंस। तो आज है मेरा फर्स्ट व्लॉग और मैं उठ गई हूँ 5:30 बजे और मैंने बाहर देखा तो बहुत ज़्यादा अंधेरा था। कुछ कुछ घरों में लाइट्स जल रही थी, कुछ मेरे जैसे थे जो उठ गए थे मतलब, और कुछ अभी भी सो ही रहे थे। तो ये देख के मैं वापस अंदर आ गई हूँ और मैंने सोचा फ्रेश होके ब्रश कर लिया जाए क्योंकि उससे आँखें खुल जाती हैं और आप पढ़ सकते हो। तो आज मैं इकोनॉमी से स्टार्ट कर रही हूँ। इकोनॉमी मुझे लगता है मेरी बहुत बड़ी वीकनेस है क्योंकि ऑल्दो मैंने MBA किया है बट इकोनॉमी से मेरा जुड़ाव बहुत ज़्यादा रहा नहीं है। तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मुझे उसे रिवाइज करने की भी बहुत ज़रूरत पड़ती है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि काफ़ी टाइम से मैंने पढ़ाई की ही नहीं है, तो मैंने फाइनली NCERT की जिससे ही स्टार्ट किया है। ये ओसवाल पब्लिकेशन की बुक है। आपके साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ, कोई पेड स्पॉन्सरशिप नहीं है इसमें, पेड प्रमोशन नहीं है, लेकिन ये बुक बहुत अच्छी है। इसमें जिस्ट के बाद क्वेश्चंस दिए हुए हैं जो मॉडरेट लेवल, एडवांस्ड लेवल, और उसमें फिर प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स भी हैं। प्रीवियस ईयर्स में UPSC और स्टेट PSC में जो भी क्वेश्चंस उस टॉपिक से रिलेटेड आए हैं वो दिए गए हैं एंड उसके बाद उसका पूरा सोल्यूशन है। आप देख सकते हो मैंने कुछ चैप्टर्स पढ़ भी लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैंने स्टार्ट किया है अभी। बहुत ज़्यादा मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ पर जो भी टाइम मुझे थोड़ा बहुत मिल रहा है मैं उससे अपनी प्रेपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ। ईजू के बाद से मेरे बेटे का नाम निजान है तो आपको काफ़ी बार ईजू सुनने को मिलेगा मेरे मुंह से। तो ईजू के बाद से बहुत ज़्यादा टाइम मुझे नहीं मिलता है, कुछ चीज़ें मुझे पर्सनल करनी होती हैं, कुछ घर के लिए, कुछ ईजू के लिए, तो कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहती हैं। बट जो भी टाइम मुझे मिल पा रहा है वो मैंने अभी थोड़ा थोड़ा करके करना स्टार्ट किया है। देखते हैं कैसे और टाइम निकाल सकते हैं, अभी तो टाइम है एग्ज़ाम में भी। तो धीरे धीरे आई हैव स्टार्टेड इट विथ इकोनॉमी एंड कुछ कमीशन्स भी मैंने स्टार्ट किए हैं, तो ऐसे करके चल रहा है पूरा अपना जर्नी। तो मेरी हैबिट है कि मैं अंडरलाइन करके या बुक में शॉर्ट में लिख कर ही पढ़ती हूँ, वही मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अभी सोचा है कि इकोनॉमी और ज्योग्राफी पिकअप करूँ एंड इवेंचुअली उसके बाद देखते हैं कैसे मूव ऑन करते हैं। अभी मैंने बहुत ज़्यादा स्पेसिफिकली टाइम टेबल नहीं बनाया है, स्केड्यूलिंग नहीं करी है क्योंकि 2-3 दिन ही हुए हैं मुझे स्टार्ट किए हुए अपनी स्टडीज़, तो अभी मैंने ज़्यादा नहीं किया है। कॉन्सेंट्रेशन में भी प्रॉब्लम आ रही है तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं नीचे आ गई हूँ, मैंने चीला बनाया है, स्प्राउट्स बनाए हैं क्योंकि कॉलेज जाना है, और कॉलेज जाना मैंने रिकॉर्ड नहीं किया था, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। 4:30 अप्रॉक्स में आ गई हूँ, मैंने चाय बनाई। मैं ऑल्दो चाय नहीं पीती पर मेरे घर में सब लोग चाय पीते हैं तो मैंने उन्हें चाय बना के दी और 5:00 में ऊपर आ गई हूँ। फ्रेश फ्रेश होके अभी मैंने मैनेजमेंट की बुक उठाई है। एक अपडेट है मेरी लाइफ का जो मैंने आपसे शेयर नहीं किया था, मैंने PhD में एनरोल किया हुआ है तो अभी उसके कोर्स वर्क के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं। उसमें भी 3 सब्जेक्ट्स आएंगे विच इंक्लूड्स कंप्यूटर मैनेजमेंट के 5 यूनिट्स जिसमें मार्केटिंग, HR, फाइनेंस, ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस और जनरल मैनेजमेंट है। तीसरा सब्जेक्ट है रिसर्च मेथडोलॉजी, तो उसे भी मुझे पढ़ना है एंड थोड़ा सा टाइम इसके लिए भी निकालना पड़ रहा है अभी क्योंकि ये भी ज़रूरी हो गया है। ये पढ़ूंगी तो ऑटोमेटिकली नेट की तैयारी भी हो रही है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी एक साथ चल रही हैं। कैसे मैनेज होगी अभी पता नहीं है, फर्स्ट वीक है तो इवेंचुअली धीरे धीरे समझ में आएगा कि हम क्या कर सकते हैं और कहाँ हम थोड़ा सा गड़बड़ कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। अब यहाँ पे आने के बाद जो रेस्ट वाला टाइम था वो मैंने अभी गिव अप किया है क्योंकि अगर मतलब ये भी हटा दूंगी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचता है। अभी इस टाइम पे ईजू सो रहा होता है तो मैं ऊपर आ जाती हूँ और अपने हिसाब से अपना थोड़ा सा काम कर लेती हूँ। ईजू के उठने के बाद ईजू छोड़ता नहीं है और अल्टीमेटली फिर आप नहीं सोच सकते हो कि उसे किसी और चीज़ में एंगेज करके आप पढ़ सको क्योंकि जैसे ही मैं पढ़ने बैठती हूँ उसको भी पेन और कॉपी याद आ जाती है और वो अपनी कॉपी छोड़ के मेरी ही कॉपी में लिखने लग जाता है।
तो ईजू की मुझे नीचे से आवाज़ आ गई, करीबन 5-6:20 हो गए थे, और उसको दूध वगैरह पिलाकर अभी मैं टहलने उसे ले आई हूँ। हमारी कॉलोनी में बहुत सारे बच्चे भी साइकिल वगैरह चला रहे होते हैं, तो उसको भी लगता है कि चलो मम्मा लेट्स गो। अभी वो खुद से साइकिल नहीं चला पाता है, तो हम ऐसे ही साइकिल चलाने निकल गए थे, तो हमने देखा कि एक पीकॉक हमारी कॉलोनी में ही घूम रहा है। हमारी कॉलोनी में बहुत सारे पीकॉक्स आते हैं बाय द वे, पर इतना क्लोजली मैंने कभी नहीं देखा, एंड मुझे खुद भी पास जाते हुए बहुत डर लग रहा था, पर आप लोगों के लिए मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लूँ। एंड वो उड़ गया, तो इट वॉज़ लाइक द फर्स्ट टाइम कि मैंने उसे उड़ते हुए देखा है। वापस आने के बाद ये ईजू का स्नैक्स टाइम है, तो हमने सबके लिए स्नैक्स बना लिए, एंड बस खा पी के वो फिर मोबाइल में लग जाता है कि मोबाइल दे दो, मोबाइल खेलना है। तो मैं उसे थोड़ा सा बुक्स में लगाने की कोशिश करती हूँ, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं। एंड फाइनली उसके बाद हम टीवी देखने बैठ जाते हैं, खतरों के खिलाड़ी आ रहा था, तो मैंने कहा चलो लेट्स वॉच इट। एंड फिर खाना वाना खा के हम अपने रूम में आ गए, और यहाँ पे ईजू का डांस शुरू हो गया है। ईजू को बहुत पसंद है चकना, खेलना, मस्ती करना। अच्छा, टू माई अटर सरप्राइज़ वो थकता भी नहीं है, और बहुत ही अजीब है ये सिनारियो कि यहाँ आते आते मेरी हालत ख़राब हो जाती है, बट ही हैज़ ऑल दैट एनर्जी टू यू नो मूव एंड डांस एंड एवरीथिंग। तो ये सब मस्ती के बाद फाइनली हम सो गए हैं और हमारा दिन एंड हो गया है। अभी दो ही स्लॉट्स निकल पाए हैं इसमें से, तो अभी दो ही स्लॉट्स निकल पाए हैं इस पूरे दिन में से जब मैंने प्रॉपरली थोड़ा सा पढ़ा है, और यही मेरा एक मोनोटोनस सा रूटीन है लास्ट 1 वीक से। लेट्स सी आगे क्या होता है, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।